पहुंच गया, आया क्यों नहीं? अरे सुन, बाद में कॉल करता हूं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, ड्राइंग बुक भूल गई यहाँ। आपकी ड्राइंग बुक। ओह सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें इतना पसंद आया। क्या मतलब है आपका? तो मेरी ड्राइंग क्यों बनाई? ओह ये, लोगों के स्केचेस बनाना मेरी हॉबी है। मतलब मुझमें कोई तो बात दिखी ना। हे हेलो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना दी थी मैंने, अब मुझसे चिपको मत। ओह अगर मैं पसंद नहीं तो मुझे सीने से क्यों लगाया है? बोलो। सीने से? हाँ? मैंने तुम्हें सीने से कब लगाया? Don't act smart, huh? पैदा ही स्मार्ट हुआ था। तुमने किताब में मेरी तस्वीर बनाई और मैंने तुम्हारी तस्वीर यहाँ अपने दिल पे बनाई। मीठा दर्द हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो, जरा भी अकल नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें देखा है तब से अकल हड़ताल पर गई है, दिल रुक गया है। तुम बहुत पसंद हो, तुमसे प्यार हो गया है, लाइफ पार्टनर बन जाओ, शादी फिक्स करो। दिस इज टू मच। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं पसंद हूँ तो कुछ कहे बिना चली जाना, अगर पसंद नहीं तो एड्रेस देकर जाना। जा रही हो मतलब मुझे चाहती हो? शहर में कहीं भी छुप जाओ, दो दिन में ढूंढ निकालूंगा, जब खिड़की खोलोगी सामने खड़ा दिखूंगा। बाय। दरवाजे की औकात देखो, हाथों से खोलूंगा पर पैर से बंद करूंगा। छी, लड़की को ढूंढने निकला था, इस मनहूस की शक्ल देख ली, क्या करूं? अगर इसने देख लिया तो ना लड़की मिलेगी ना उसका एड्रेस। निकल जा बेटा। स्वाति। हाय दीदी, कैसी हो? हैं आप? एकदम ठीक। हाय बंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। बंटी इधर आ। यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे जीजू का घर है। ओह, मेरी पड़ोसन बनने के लिए ये बहाना ढूंढा है? तुमने तो मुझे तुम्हें ढूंढने का मजा ही नहीं लेने दिया। शह, बुढ़ापे में क्या याद करूंगा? सिर्फ दो दिन रुक नहीं सकती थी? इतना प्यार है मुझसे? हेलो हेलो, तुम्हारी सोच की ट्रेन क्या सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है? चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमने डोरे डाले या मैंने, एक ही बात है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि तुम मेरी दीवानी हो। नॉटी। ऐसा था तो बीच पे ही बोल देती। वो क्या? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हो, ये राज ही रखूंगा। तुम्हारा वो जीजू ना ईगो का गुब्बारा है, अब मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। हम छुप छुप कर मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसका अपना एक अलग ही मजा है। ओके बाय। हेलो, क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी।
बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ। क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया। हुँ? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आँखों से। दूर से देखना मुश्किल है। मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। आईएएस? हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब आई एंड स्वाति। मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। सच में चिल्लाऊंगी यार। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ, वरना चिल्लाओ ना। जीजू मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ, और यहाँ बेटा बंदरों की तरह छतों को लांग रहा है। लड़की देखे नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया। जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे, वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया, तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया? तुम जैसों को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब? मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ए, ये ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो, और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचाकर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था, कपड़े भी पूरे पहनती हो फिर भी उन कम कपड़ों वाली से दो कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो, कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो, और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूंगा, और मेरे घर की इज्जत? छी छी, अबे कितनी देर सपना देखेगा, चल जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ, अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहां पल्ले पड़ गए। स्वाति, आज मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? पीछा करना, फ्लर्टिंग करना, किसी को डेट पर ले जाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो पहले फोन में उसकी प्लेलिस्ट देख लो। ओह, मेरा असली कैरेक्टर क्या है ये मेरे प्लेलिस्ट के 3 गानों से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट जानना इतना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, तुम खुद सुनो। सुनो, अरे पकड़ो ना, सुनो। भैया। हाँ, बोल ना। पापा की पार्टी इन्हें पटाने के लिए रखी थी ना? हाँ यार, पान के नाम पे उसे चूना लगा है। एक्चुअली इसे प्लेलिस्ट सुना के फ्लैट करना था। पहला गाना है फ्रॉम आर्या, फील माय लव। तुम ऐसे गाने सुनते हो? नेचर से प्यार है ना, आज तक किसी को बताया नहीं, पर वही मेरा इंस्पिरेशन है। ये गाना सुनकर मैं नेचर के करीब जाता हूँ। अब तुम अगला गाना सुनो प्लीज। अगला गाना और भी जबरदस्त है। ये मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, जन हंसने का देख जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चलती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीले। ये है तुम्हारी चॉइस? बिल्कुल, मेरा फेवरेट है, रोज सुनता हूँ इसे। वो क्या है, ऐसा संगीत सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन साफ हो जाता है। अब तुम तीसरा गाना सुनो, तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। मेरी खातिर प्लीज आखिरी गाना सुनो। तीसरा गाना माइंड ब्लोइंग है। बुट्टू बोमा। नशा 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 चढ़ा प्यार का नशा। अरे एक मिनट, ये गाना क्यों बज रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, तुम्हारे जीजू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, ये देखो मेरा फोन। मेरी प्लेलिस्ट सुनो ना प्लीज। आज के लिए इतना ही काफी था, प्लीज। स्वाति, स्वाति, अब
गाने तो फेल हो गए और दिल की बात कहना मुश्किल है, लेकिन मेरी आंखें तुमसे कुछ कह रही हैं। इन्हें पढ़ लो, जो कुछ कहना चाहता खुद समझ लो। अपनी जुबान से ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा। चलता हूं।